विदर्भ में बाघों की मौत अब आम बात हो गई है हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं से बाघ की मौत की खबर आ रही है लगातार हो रही बाघों की मौत पर वन विभाग के अधिकारी सिर्फ नियमों के साथ अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया ही पूरी कर रहे हैं। पिछले 12 दिनों में चार बाघों की मौत हो चुकी है इसमें दो बाघ जहा दुर्घटना के शिकार बताए जा रहे हैं तो वही दो बाघों की मौत संदेह के घेरे में भी है तेरह मार्च को घायल अवस्था में पहुंची अवनी की शावक की मौत भी अचानक से हो गई। उमरेड करांडला में मृत शावक को बरामद किया गया लगातार हो रही बाघों की मौत को लेकर वन विभाग के अधिकारी न तो उनको सुरक्षित करने के लिए कोई प्लान बना रहे और न ही लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई कर रहे हैं। राष्ट्रीय पशु की मौत को भी काफी हल्के में लेकर अंतिम संस्कार कर निपटा दिया जा रहा है बाघों की मौत ना हो इसको लेकर कोई एक्शन प्लान नहीं है वन दिवस के दिन भी विदर्भ में एक बाघ की मौत हो गई। सेलू तहसील के तहत केलझर पीर बाबा पहाड़ी के पास पानी में एक बाघ का शव मिला बताया जा रहा है कि मृत मादा बाघ की उम्र करीब चार साल है सुबह सात बजे बाघ के शव को नागरिकों ने देखा जिसके बाद इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई पश्चात वन विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे और उन्होंने संभावना जताई की बिजली के करंट से बाघ की मौत हो सकती है